आप लिखिए नीचे पढ़िए, आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है, यह बिजनेस हमको क्यों करना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है, ध्यान दीजिए आप, क्योंकि सवाल जिंदगी का है, सवाल जिंदगी का है। तो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन आता निकल के मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा अपना, कि कैसे कैसे मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, फिर मैं कंपनी क्या है, थोड़ा सा एक आधा मिनट के अंदर कंपनी क्या, इस पे थोड़ा सा बात करूंगा, काम हमारा अच्छा है कि बुरा, इस पे भी थोड़ा डिस्कस करूंगा, और सबसे बड़ी बात हमें काम क्यों करना चाहिए, और एक बहुत बड़ा सवाल, समय पैसा नहीं तो फिर कैसे करें, एक बहुत बड़ा सवाल, इस काम की शुरुआत कैसे करनी है। एक एक मिनट के पांच सवाल है, एक एक मिनट के पांच सवाल है, देखिए पांच सवाल आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे सर। एक एक मिनट के पांच सवाल है, पांच सवाल आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे सर। आज मैं इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं आपको, इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको, ये पांच सवाल के जवाब आपने जान लिए, पांच सवाल के जवाब आपने जान लिए ना सर, 101% नहीं 100,000% आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, नाम डॉक्टर जयवीर सिंह, मेडिकल प्रैक्टिस करता था, मेरी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैं LIC का एजेंट बन गया था। जब मैं LIC का एजेंट बना था, जब पॉलिसी करने के लिए जाया करूं, मैंने देखा जो 10-10 साल से 15-15 साल से LIC का काम कर रहे हैं, पहले भी उनके पास में राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी, और 10 साल के बाद 5 साल के बाद 7 साल के बाद राजदूत मोटरसाइकिल से हीरो होंडा स्प्लेंडर पा गए। मैंने यहां से मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी, मैंने यहां से मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं बचपन से एग्रेसिव था, मैं बचपन से कुछ हटके करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। फिर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिला, वहां पे मैंने काफी समय काम किया, उधर मेरे को लगभग 6.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। कहानी लंबी है, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि समय कम है। कहानी ऐसे जाती है कि आज से लगभग 26-27 महीने पहले की बात है, मेरी उस समय स्थिति ऐसी थी, मेरे पास जो मोटरसाइकिल थी वो भी कर्जे में चली गई थी। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, मेरे घर में 2-2 दिन तक खाना नहीं बना, इस पोजीशन से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरे पास जूते तो हुआ करते थे, बट उनका सोल फटा हुआ करता था, शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, इस पोजीशन से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, इस पोजीशन से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों। जब पैसा, जब मैंने देखा यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट परचेज करना है, पैसा था नहीं मेरे पास, तो गुरु जी ने मेरे को बताया जिंदगी भर तेरे पास पैसा नहीं होगा, एक बार मैनेज कर। मैंने कैसे भी करके मैनेज किया, 7% की ब्याज पे लेकर के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। मैं अपने बारे में बता दूं, जिस बंदे ने 7% की ब्याज पे लेकर के बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो शुरुआत में तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, जैसे 2-4 लोग घर में मैंने प्रोडक्ट दिए, उनको रिजल्ट आ गया, वो 10 लोगों को लेके आ गए, जैसे ही 10 लोग मेरे साथ आ गए, मेरे को इस बात का भरोसा हो गया, अब तो मेरे का लाइन लगेगी, 10 से 100 लोग आएंगे, 100 की टीम बन गई। जब 100 की टीम बन गई, मुझे इस बात का भरोसा हो गया, अब तो 200 भी आएंगे, 500 भी आएंगे, 500 भी आ गए, अब जिस आदमी के साथ में 500 लोग जुड़ जाएंगे, बताइए उसको भरोसा आएगा कि नहीं आएगा। मेरे को भरोसा क्या, मेरे को तगड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तगड़ा भरोसा आ गया, और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। 500 से 1000 हो गए, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 12000, 13000, 14000, 15000, आज दोस्तों देखते देखते 26-27 महीने के अंदर देखते देखते आज 16000 का नेटवर्क बन गया दोस्तों, 16000 का नेटवर्क बन गया मेरे साथ। जिस आदमी के साथ 16000 लोग हों, वो कितना बड़ा पैसा बना सकता है सर, आप आइडिया नहीं लगा सकते। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ महीने में, यहाँ पर आ जाता मैं सामने 5 लाख रुपए कमाने के लिए, मैंने सामने 5 लाख कमाऊंगा, महीने में 33-35 हजार रुपए हो जाएंगे और जिंदगी सेट हो जाएगी। आज साल में 5 लाख नहीं कमाता, आज साल में 5 लाख नहीं कमाता मैं, और साल में मेरे को 5 लाख नहीं आया, आज महीने का मैं 5 से 6 लाख कमाता हूँ। लॉकडाउन से पहले भी कमाता था और लॉकडाउन के अंदर भी कमाता हूँ। अगर टोटल अचीवमेंट की बात करूं तो 26-27 महीने के अंदर दोस्तों आज मैं करोड़पति बन गया। आज मैं 26 से 27 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए का मालिक बन के 1 करोड़ रुपए कमा करके बैठा हूँ आपके सामने। पहले 12 महीने के अंदर मैंने हुंडई बनना 16 लाख रुपए की कार खरीदी थी। अभी लॉकडाउन से पहले 22 मार्च से 2-3 दिन पहले मैंने जैगुआर बुक कराई थी, जैगुआर, और बुकिंग है, लोन भी हो गया था, लेकिन रेड कलर नहीं मिली मेरे को, उधर फिर लॉकडाउन लग गया नहीं आई, लेकिन गुरुजी ने बोला मेरे से जब कार कब आ रही है, तो जो लोन हुआ था वो दोबारा से खत्म हो गया, क्योंकि 3 महीने का कुछ करके मान रहता है, और उसको लोन हुए को लगभग 4-4.5 महीने हो चुके हैं, दोबारा से मैंने फाइल लगा दी है,
लोन की, और जैसे ही हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते के अंदर लोन होता है, और आप भाई साहब जो शख्स जिस पर मोटरसाइकिल नहीं थी वो शख्स आने वाले एक महीने के बाद जयगुआर से चलेगा यार, दैट इज बिजनेस, यह है बिजनेस। और ऐसा मैं अकेला शख्स नहीं हूं, ऐसा मैं अकेला शख्स नहीं हूं, ये पांच साल के अंदर कंपनी के अंदर 65 ऐसे लोग हैं, 65 ऐसे लोग हैं जिनके पास ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर, और एक एक नहीं कुछ छोटी कार है, जैसे मैं मेरे पास हुंडई बनना है तो मैं उसको बेचूंगा नहीं, बड़ी कार भी लूंगा। हमारे जितने भी लीडर हैं, हमारे जितने भी अपलाइन हैं, सबके पास दो दो तीन तीन कार हैं, सब इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। अब मैं सवाल करता हूँ कंपनी की, तो कंपनी के बारे में अजीत सर ने बता दिया है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ कुछ बातें जो आपको बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ऐसी आती हैं जाती हैं, हेलो, लोग कहते हैं कैसी आती जाती हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसको लगातार अवार्ड पे अवार्ड मिलते जा रहे हैं। सारे अवार्डों के बारे में अजीत सर ने बताया था, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात देखो ये बताना चाहता हूँ, देख रहे होंगे फोटो, मारे जिस कंपनी के मालिक को, जिस कंपनी के एमडी को, जिस कंपनी के सीईओ को, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, हमारे देश की सबसे बड़ी पावर, हमारे देश के राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड दिया जा रहा हो, वो कंपनी क्या है, या आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। मैं नहीं बताऊंगा कंपनी क्या है, आपका फ्यूचर सेफ है, ये आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कंपनी क्यों करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। आज हम इतना कॉन्फिडेंस से इस बिजनेस को कर रहे हैं, एज ए करियर इस बिजनेस को कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी को छोड़ के इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में, जी सर परमेश्वर, मैंने मार्केट में देखा है लोग फोर्थ क्लास की नौकरी पाने के लिए, लोग फोर्थ क्लास की नौकरी पाने के लिए 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7-7 लाख देने के लिए बैठा है कि चपरासी की नौकरी मिल जाए, ये लोगों की मानसिकता है। मैंने ये भी देखा है जब लेखपाल की भर्ती हुई थी 14-14 लाख रुपए लोगों ने दिया था सर, 14-14 लाख रुपए लेकर के बैठे थे, हमें लेखपाल बनवा दो। अरे वो नौकरी करके किसके सपने पूरे नहीं होते हैं, सिर्फ पॉसिबल नौकरी करके जीवन यापन होता है, क्योंकि हमारे देश के मोदी जी, हमारे देश के पीएम साहब एक बात बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो, नौकरियां नहीं है मार्केट में, और पूरा इतिहास गवाह है कि नौकरी करके आज तक कोई आदमी जायज तरीके से टेबल से नीचे वाला काम ना करे, जायज तरीके से कोई आदमी ओडी बीएमडब्ल्यू चलाता नहीं है, चाहे वो सरकारी मास्टर हो, चाहे सरकारी डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, लेकिन जब हमारे देश के पीएम साहब एक ही बात बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो हम भी आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं सर। लोग नौकरी, नौकरी को लाइक क्यों करते हैं, लोग नौकरी में रिश्वत देने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, लोग नौकरी की 10-10 साल तैयारी क्यों करते हैं, सिर्फ एक ही वजह है, एक ही बात है, आदमी को इस बात का भरोसा होता है कि यार हमारी नौकरी एक बार लग जाएगी फिर वो लेनी पड़ेंगे, फिर नुकसान नहीं होगा, पैसा लगातार आएगा, काम भी कम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन से आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जो सरकारी नौकरी में भी नहीं मिलती, वो डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है साहब, वो डायरेक्ट सेलिंग देती है आज की तारीख में। और ये चीज डायरेक्ट सेलिंग के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए नई है, और सबसे बड़ी बात है आज फेसबुक पर हमारी कंपनी के एमडी सामने आज ही इस इन्फॉर्मेशन को, इस प्रिंसिपल को आज ही लॉन्च किया है, और लाखों लोगों के सामने सोशल मीडिया पर आकर के लॉन्च किया है। या लिखा सर कि आज मार्केट में किसी कहीं भी कोई प्राइवेट नौकरी करता है, चाहे बीटेक किया, चाहे बीसीए किया, चाहे एमकॉम किया, चाहे कुछ भी किया, जब तक जिंदा है तब तक सैलरी आती है, कल को मर गया तो उसके बच्चों को कौन देखता है सर बताइए, कोई देखता है क्या? अरे मैं तो कहता हूँ सरकारी नौकरी में भी कोई आदमी चला जाता है, पेंशन 2005 के बाद खाता में, फंड भी जो आप कटाते हो वो फंड मिलता है, क्या मिलता बताइए मेरे को? या जो आदमी मर गया क्या उसके बच्चों को सरकार पढ़ाती है? नहीं पढ़ाती। लेकिन दोस्तों हमारी कंपनी ने ऐसा कर दिया, यहाँ देख सकते हैं आप, फाइटर चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर फंड हमारी कंपनी ने बना दिया है। और हमारे यहाँ कोई लीडर अगर 3 महीने भी काम कर लेता है, 3 महीने, 3 से 4 महीने भी काम कर लेता है, और हमारे यहाँ 5वां लेवल है, 5वां लेवल भी कंप्लीट कर लिया ना साहब, और गलती से उसके साथ कुछ ट्रेजेडी घट जाती है, वो दुनिया छोड़ देता है, हमको छोड़ के चला जाता है। दोस्तों आदमी की, इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता हिंदुस्तान में, क्या पूरे संसार में, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चों को हमारी कंपनी
क्लास 12 तक, यानी कि 12 क्लास तक हमारी कंपनी उसके बच्चों को पढ़ाएगी सर। सर ऐसी कंपनी के लिए, ऐसे सिस्टम के लिए यार सलूट बनता है, एक बार सलूट बनता है यार, कि हम जीते जी पैसा बना रहे हैं, लेकिन सर मर भी गए ना तब भी हमारे बच्चे कृषि पंचर की दुकान पर जाके नौकरी नहीं करेंगे, हमारे बच्चे कृषि चाय की दुकान पर जाके नौकरी नहीं करेंगे। ये वो सिस्टम है जो आपको जिंदगी देता है दोस्तों, ये वो सिस्टम है जिंदगी देता है। आपके 12 क्लास तक बच्चों को तो पढ़ाएगी कंपनी, साथ में आपको कंपनी फंड भी देगी। जैसे मेरा लेवल है, मैं डायमंड हूं, आज मेरे को ट्रेजेडी हो गई, मेरे को कंपनी पता है 12 लाख रुपए देगी, बच्चों को एजुकेशन भी देगी और 12 लाख भी देगी। और मेरे से ऊपर का लेवल कोई आदमी खत्म होता है उसको 23 लाख रुपए देगी कंपनी, और नीचे के ऊपर ऊपर उन्होंने रैंक बांट रखा है, एमएड को इतना देंगे, टोपाज पे इतना देंगे, रूपी स्टार पे इतना देंगे, पहले से फिक्स है। सहायता राशि कंपनी की अवश्य कंपनी की ओर से उन्होंने पूरा अपना एक वेलफेयर फंड बनाया हुआ है, कोई भी चेक कर सकता है। सर आज तक आपने डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में ऐसा सुना नहीं हुआ, देखा नहीं हुआ, यह हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है जहां पर सारी चीजें होती हैं, जहां पर मरने के बाद भी आपके परिवार का साथ दिया जाता है। ऐसी कंपनी को सलूट करना चाहिए मेरे भाई, एक बार सलूट करना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल और है, 2-3 सवाल है, मैंने बोला एक एक मिनट के सवाल है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने बोला सर एक एक मिनट के सवाल है, हमारा काम क्या है, अच्छा कि बुरा है, जान सकते हो आप, सोच सकते हो आप, अपना विवेक लगा सकते हो, हम काम क्या कर रहे हैं, आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं, आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। अजीत हमने बोला कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, अजीत हमने बोला कि पिज्जा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, बुरा कर रहे हैं आपके साथ, बुरा कर रहे हैं आपके साथ, अच्छा कर रहे हैं साहब, ये काम ही अच्छा है, ये समाज देश के हित में, ये काम देश के हित में, समाज के हित का काम है सर। आप आइए मिलके डिसीजन लगाइए, मिलके करते हैं, एक काम नहीं है, हमारा मिशन है, मिशन हम पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में हर गांव में घर घर आयुर्वेद को पहुंचाएंगे, ये हमारा मिशन है और हम मिशन बना के काम कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। इसी बात तक कंपनी हमको लाख रुपए बिना देती है, जो हमारे प्रोडक्ट है जिसको हम प्रमोट करते हैं, राजी सर बता चुके हैं आपको, ये हमारे प्रोडक्ट है टोटल। लेकिन लास्ट आपसे मेरा एक सवाल, लास्ट मेरा आपसे एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल, ये नीचे देख रहे हैं स्लाइड पे, ये लोग जो देख रहे हैं आप 50-60-70 लोग, ये मेरी अपलान वाले लोग हैं, कंपनी में तो लाखों लोग हैं जिन्होंने जिंदगी को बदला है, लेकिन ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, मेरे को इसका रीजन बताओ। आप गरीब हैं, मेरे से ज्यादा कोई गरीब नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ 8 क्लास तक फेल लोग हमारे यहाँ लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते आप? आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए दोस्त, आप इन लोगों ने भरोसा किया, इन्होंने करके दिखा दिया, आप भरोसा करो अपने आप पर, आप भी करके दिखाओगे सर, क्योंकि इंसान कमजोर नहीं होता, कमजोर होता है इंसान की सोच, कमजोर होती है आदमी की मानसिकता, और कमजोर होता आदमी का प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ है, सोच हमारे यहाँ मिलती है, और दोस्तों 100% नहीं 1,00,000% आप भी कर सकते हो आप। लास्ट मेरा सवाल आपसे एक, जो कि बहुत बड़ा सवाल है, फाइनल आपको अपने आप से एक सवाल करना है, सवाल 14-15 का नहीं है, सवाल है जिंदगी का, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आज जो धंधा कर रहे हो, आज जो नौकरी कर रहे हो, आज जो बिजनेस कर रहे हो, आज जो खेती कर रहे हो, उस काम को करके अगर रेंट के मकान में रहते हैं, क्या खुद के अच्छे मकान में खुद का मकान बनवा सकते हो? अपने आपसे सवाल करना घर जा करके, एक मीटिंग अभी खत्म होने वाली 2 मिनट के अंदर, अपने आप से सवाल करना दोस्त, क्या वाकई में मैं 35 साल से नौकरी कर रहा हूं, क्या मेरी सारी चीजें मैं अचीव कर पा रहा हूं? ये अपने आप से सवाल करना है आपको, ये आज समय की आजादी, अब 35 साल से कुछ ना कुछ कर रहे हो, क्या आपके पास आज समय की आजादी है? सवाल करना अपने आप से, क्या आज आपका ड्रीम कार है? ये सवाल करना अपने आप से, क्या लाखों की ज्वेलरी है? ये सवाल करना अपने आप से, क्या देश विदेश की यात्रा है? ये सवाल करना अपने आप से सर, ये 2 साल के अंदर, अभी 5-6 महीने से लॉकडाउन लगा पड़ा है, 2 साल के अंदर 6 बार विदेश की यात्रा कर चुका हूं 2 साल के अंदर, तो ये सवाल आपको अपने आप से करना है। और सबसे बड़ा बहुत बड़ा सवाल, ये परिवार की सुरक्षा, अच्छा हेलो जान दो, क्या सोच रहे हो तुम्हारे साथ नहीं हुआ कुछ, क्या सोच रहे हो?
आपके साथ कुछ नहीं होगा। अरे भाई ये कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी दुनिया से जा सकता है सर। उन बच्चों के बारे में सोचो, उस बीबी के बारे में सोचो। तुम गलती से आज तुम सोच रहे हो आज मेरे पास बीबी को करने के लिए 10,000 रुपए नहीं है, मेरे पास 14,000 रुपए नहीं है। सवाल 14-15 हफ्ते का नहीं है, सवाल है परिवार का, सवाल है बच्चों का, सवाल है बीबी का, सवाल है बूढ़े माँ बाप का, कि उनका क्या होगा। आज ये बात मेरे को बताई थी गुरुजी ने, ये भी ये पता आज तेरे पास पैसा नहीं है, कल को तेरे को कुछ हो गया, तेरे परिवार का क्या हुआ, ये सोच के मैंने बिल्कुल सड़ गया था। आज मैंने एक इतना बड़ा सेटअप खड़ा कर दिया, आज मैं मर भी गया ना तो साला जो जीते जी आ रहा पैसा वो मरने के बाद भी आएगा। कंपनी फंड अलग से देगी, बच्चों को अलग से पढ़ाएगी, लेकिन जीते जी जो पैसा आ रहा है मरने के बाद मेरे बीबी को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये सवाल आपको अपने आप से करना है। से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं सर इसकी शुरुआत कैसे करनी है, कुछ नहीं करना यार, एक आधार कार्ड एक पैन कार्ड। और तुम क्या सोच रहे हो, जो लोग पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको बोलना चाह रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, ये लोग आपको एक बार फोन करेंगे जिन्होंने आपको बुलाया है, भैया ये फोन ना करे तुम्हारे पास, और रियली में आप कुछ करना चाहते हो आप खुद फोन करो इनके पास, इनको बोलो सर हमारा आधार कार्ड लो, हमारा पैन कार्ड लो, हमें क्या करना है कैसे करना हमें बताओ, हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है हमें बताओ सर, आप खुद फोन करो सर। हमारे सक्सेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन क्लासेस चलती है 10-10 दिन की, कोई पैसा नहीं दिया जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। हमारे हर आदमी सफल है दोस्तों, हर आदमी सफल है। आज आपने कम समय दिया, काफी समय दिया, सारे लोग बधाई के पात्र हैं। मैं तो एक ही बात बोलूंगा सर, अपना फोन उठाइए मीटिंग खत्म होने के बाद, और अपने जिसकी भी आदमी ने आपको बुलाया है उसको फोन करिए, उसको बोलिए सर मुझे इसकी स्टार्टिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और वो आपको बताएगा कैसे कैसे करना है, वो 100% आपका साथ देगा, हम आपके साथ देंगे, मिलके इतिहास बनाएंगे, मिलके गरीबी को खत्म करेंगे। तो आपने रील में काफी समय दिया, सारे लोग बधाई के पात्र हैं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट और जय हिंद।